4.25 question. An aircraft is flying at a height of 3400 meter. एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है 3400 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है? तो मैं देखता हूं इसको, ठीक है? इसकी स्पीड मान लेता हूं v है, v मीटर पर सेकंड, और ये भी एसआई यूनिट में 3400 मीटर दे रखा है। ग्राउंड से ऊपर, यहां मान लीजिए ग्राउंड है, ऑब्जर्वर है, 3400 मीटर है, ठीक है? एयरक्राफ्ट है और कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यह है, बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, यानी 10 सेकेंड में ये 30 डिग्री एंगल बनाता है ऑब्जर्वर के आई पे, यानी ऑब्जर्वर के आंख पे 30 डिग्री एंगल बनाता है। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट ऐसे मूव करेगा तो इसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा, जैसे आप यहाँ हो और एयरक्राफ्ट को देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट ये है। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट सीधा हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट कुछ देर बाद यहाँ आएगा, तो इस तरीके से एंगल बनता जाएगा। तो मान लीजिए कि 10 सेकेंड में एयरक्राफ्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो ये मान लीजिए ए पोजिशन है, ये पोजिशन बी है, तो जो एंगल है ऑब्जर्वर के आंख पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है? ये 10 सेकंड लगा है, यहां से यहां तक आने में 10 सेकंड, तो यानी मैं कह सकता हूं कि इस 10 इंटू वी इतना मीटर हो गया डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ए वी इज इक्वल टू 10 वी मीटर में, ओके? अब आपको पूछा गया है यहां पर स्पीड क्या होगा एयरक्राफ्ट का, तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, एंड टेन 30 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, दैट इज 10 v अपॉन 3400 मीटर में ही है, ये मीटर पर सेकंड में है, ऊपर दोनों ही मीटर में, हालांकि अभी ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, कैंसिल हो जाएगी यूनिट, ठीक है? अब ना v कैलकुलेट हो सकता है, तो क्या आ जाएगा आपका, एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है? तो v इज इक्वल टू 340 बाय रूट थ्री मीटर पर सेकेंड, ठीक है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है, इसके जो आंसर की है, उसमें ये आंसर नहीं है, ठीक है? इससे थोड़ा ज़्यादा डिफर कर रहा है ये आंसर। एक्चुअली इसमें दो केसेज हो सकते हैं, हालांकि कहूँ तो तीन केसेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसमें तीन केसेज बन सकते हैं। मैं दूसरा केस समझाता हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, ये जस्ट इसके हेड के ऊपर है, तब से स्टार्ट किया है, टाइम जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड बाद यहाँ पर आया और एंगल 30 डिग्री बनाया ऑब्जर्वर पे। लेकिन इसका केस ऐसा भी हो सकता है, और जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, ये केस टू के अकॉर्डिंग दे रखा है, ये केस टू हम डील कर लेते हैं, ये केस वन हो गया हमारे लिए, केस टू डील कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि एयरक्राफ्ट को यहां से, एयरक्राफ्ट यहां पर कहीं था और 10 सेकेंड बाद यहां पर आ गया, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर यहां पर है। ऐसा हो सकता है कि यह एंगल टोटल एंगल जो है यह 30 डिग्री है, तो यानी यह 15 डिग्री, लाइन ऑफ साइट कितना एंगल बनाया घूम के, 30 डिग्री। पहली बार पोजीशन ये ए है, ये मान लेता हूँ सी है, और ये बी है ना, तो कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट 30 डिग्री घूमता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा, 10 सेकेंड, वही 30 डिग्री एंगल बनाया, तो ये 15, ये भी 15, ये अगेन 3400 मीटर है। अब आपको स्पीड पूछा गया, तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में मान लिया, तो ये 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा, टाइम का आधा हो जाएगा, तो 5 सेकेंड ही यहाँ तक लगेगा, क्योंकि स्पीड एकदम यूनिफॉर्म है, तो v इंटू 5 मीटर हो गया, 5 v कह सकता हूँ, यानी यहाँ पर ac बराबर 5 v मीटर, यूनिट के साथ लिख रहा हूँ। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 15 परपेंडिकुलर बाय बेस,
इट इज 5v अपॉन बेस 3400 मीटर, ठीक है। 10 15 की वैल्यू आप यहाँ से पहले भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। 10 15 डिग्री इंटू 3400 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको 10 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो लगभग इसका 0.26794912, ठीक है। इतना लगभग आता है वैल्यू, लगे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, और ऐसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन डाटा इस तरीके से नहीं देंगे, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, कंसेप्ट आपको समझना है। और इसकी सॉल्यूशन सॉल्यूशन करेंगे आप तो लगभग 911.027253 डिवाइडेड बाई 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 182.2054 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है ये है। तीसरा केस ये भी हो सकता है, आप बोलो कि सर ना ओवर हेड हेड से एग्जैक्टली ऊपर से ना देखूं और ना यहाँ से सिमेट्रिकली देखूं, हो सकता है ऑब्जर्वर यहाँ हो, थर्ड केस बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ चले, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो 30 डिग्री एंगल बनाया हो लाइन ऑफ साइट इसका, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप अपने से भी ट्राई कर सकते हो, इसके आंसर अलग आएंगे, ये 10 इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।